मैं तो काकू चाचा को छोड़ने गया था, वहां कुछ हालात ऐसे बन गए कि मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। रब का लाख लाख शुक्र है कि मेरा पुत्र सही सलामत वापस आया। अच्छा ये बता पुत्र, वो काकू कैसे? काकू अच्छा है, वो जमीला भी अच्छी है। और बाल बच्चे? दो बच्चे हैं उसके चाची जी, एक लड़का है एक लड़की है। लड़का तो बिल्कुल गोरा है, एकदम अंग्रेज दिखता है। पर वो गांव के लोग सब ठीक ठाक है ना पुत्र? वो अपने मास्टर जी वो है या? हाँ हाँ बिल्कुल तंदुरुस्त है मास्टर जी। उनका लड़का शकील बहुत ही होनहार बच्चा निकला है, वहाँ लाहौर में किसी अच्छी जगह मुलाजिम है। उनका कच्चा मकान था ना, उसने आसपास जमीन लेकर वहाँ एकदम पक्की हवेली बना दी है कि पूछो मत। अच्छा तो ये बता, तू जब स्कूल से पार्क के आया करते थे ना तुम दोनों भाई, वो बाग के अंदर एक बड़ा सा पेड़ आम का हुआ करता था, वो अभी है उस आम आते हैं पुत्र? आम आते हैं और उतने मीठे हैं, और उसके साथ वो एक बेरी का पेड़ भी था जिसका कांटा मुझे चुभ गया था, क्षत हो गया था, तो आप डॉक्टर के पास ले गए थे, मुझे याद है, छोटा सा था। ये पापा जी आपके दिन तो बड़े मजे से बीते। नहीं बेटा, आप सबकी बहुत याद आई। पापा इधर, हमारे दिल में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। अच्छा ये बता जोगी, तू अपने साथ नूरा को क्यों नहीं लाया? नूरा को? चाची उसकी तो फिरोज के साथ शादी हो गई। अच्छा ठीक है, चल तुम्हें अंदर चल 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 अंदर। ये चली तेरे से पहले ही आके यहां बैठ गई है। जोगिया काकू तू आई आए, तू क्यों आ गया पीछे पीछे? ओ जोगी, ओ तू जहां जाएगा मैं तो वहां आऊंगा ही भाई। मैं तेरा साया हूं, तेरे साथ साथ रहूंगा, आगे रहूं या पीछे रहूं रहना तेरे साथ ही है। ओ मेरे यार, तेरा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है, तू पहले ही मेरे लिए बहुत खतरे उठा चुका है। वाह प्रा वाह, तूने जब मेरे लिए इतने खतरे उठाए तो उन खतरों की वजह से तूने क्या किया? मेरा साथ छोड़ दिया था? नहीं ना, फिर? ओए काकू तू दिमाग से काम क्यों नहीं लेता? ओए जोगिया, ये तू भी जानता और मैं भी जानता हूँ कि दिलों के सौदों में दिमाग का काम नहीं होता है। ओ तू अपना दिमाग अपने पास रख, मुझे मेरे दिल से ही काम लेने दे। काकू रब दा वास्ता है, घर जा घर। घर तो अब मैं तब जाऊंगा जब तेरे को सही सलामत सरहद पार करते देखूंगा। तो खुदा ना खास्ता तेरे को कुछ हो गया तो चाई को क्या जवाब दूंगी? चाई जब मुझसे पूछेगी मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा जोगी कहाँ, क्या कहूंगा मैं? परजाई को, बच्चों को क्या जवाब दूंगा भाई? उन सबको तो यही पता है कि जोगी अपने प्रा के साथ, अपने यार के साथ गए।
तो मैं क्या करूं? 40 मील पहले ही अलविदा बोल दूं अपने पड़ा को? नहीं, अपने भाई के साथ जाऊंगा। रसूलन भी, ये लो मजीद आ गया। भी तुम्हारे हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये लोग पहुंच चुके हैं? हाँ हाँ पहुंच चुके हैं। अब जल्दी बताओ कि हमें करना क्या है। पहले ये तो बताओ इनमें से कौन सरहद पार करेगा? इसने जाना है। अच्छा ठीक है, चलो मेरा ट्रक तैयार है। ओ जी, मैं भी साथ में चलूंगा। रसूलन भी, इसके पैसे कहाँ है? अरे ये सरहद पार नहीं जाएगा, ये तो खाली इसको छोड़ के वहाँ से वापस आ जाएगा। रसूलन भी, मैं खाम का खतरा मोल नहीं ले सकता। नहीं जाएगा। नहीं जनाब, जनाब अल्लाह का वास्ता, मेरे को साथ ले चलो। ओ खतरा कोई नहीं जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, कोई खतरा। अच्छा ठीक है, जल्दी चलो, अभी चलेंगे तो रात के पहले पैर तक सरहद पर तक पहुंच पाएंगे। हाँ। चलो चलो जल्दी चल पुत्र, आओ जल्दी। अच्छा भाई, अच्छा माँ, जिंदा रहे पुत्रा, जो मियां माँ ने सही सलामत पहुंचे और मुझे खबर दे देना चाहते ही। हाँ माँ, बहुत याद करूंगी, बहुत याद करूंगी। बुला नहीं पाऊंगा माँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। देखिए इंशाल्लाह कोई सूरत निकले तो आप हमारे यहाँ आके रहे। अल्लाह करम करे, अल्लाह करम करे। खुदा हाफिज। आ जनाब, अपने जान पहचान वाले मुलाजिमों को आपने इतला तो कर दी थी ना? मैंने सब बंदोबस्त किया हुआ है, आप लोग वहां फिराकर एक ही सवाल भी पूछे जाते हो। जनाब जी, दूध का जला कसी को भी भूखा मार मार के पीता है। जोगी, अरे मैं वो नहीं जो आप समझते हो, अपना तो चोखा दाम और खरा दाम। एक बार सड़क पार हो ना, तुझे भी परेशानियों से छुटकारा मिले। क्या बात करता है ब्रा, परेशानी काय की? और मेरा बस चले तो तेरे को जाने नहीं देता वापस। अपनी परेशानियों की परवाह नहीं है, वो तो चाय जी सरोज बच्चों की परेशानी के बारे में जरूर सोचता हूँ। बस इसीलिए तो तेरे को भेज रहा हूँ वापस भारत। ज्यादा भारत भारत ना करो, चुप रहो। जूलिया ने डोरा पीट कर नहीं होती, तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूँ पोस्ट में मुस्तफा ही है। मजीद, कौन मजीद? जोगिया, मैं उधर गया था तेरे पास, बड़ा ध्यान रखा था तूने, बहुत चंगी तरह रखा सी मैंने। इधर आया, चल जैसे भी हालात में आया, मैं कुछ कर नहीं पाया यार। कैसी बातें करता है? नहीं यार, तेरे को बड़ी मुश्किल में रहना पड़ा। चुप होए, माफ कर दियो जोगी मुझे। पागल हो गया काकू, इतना मजा आया, सारे लोग मिले, मास्टर जी मिले, जवानियां याद आई, बचपन याद आया, बड़ा मजा आया यार। जोगी अभी खत खुद लिखते रहना, पहले की तरह नहीं, फिर मुझे ऐसे आना पड़े। बस दुआ करके रास्ते खुल रहे, हम आते जाते रहे, मिलते मिलाते रहे। अल्लाह करे ऐसा हो ही जाए। मजीद, तुम भी,
तुम तो कहते थे कि तूने ये काम छोड़ दिया है। जी मैं तो वैसे ही इधर आया था। कहते थे मैं खालस घी बेचने का काम करता हूँ, है ना? यही है तुम्हारा वो खालस घी बेचने का काम है, हरामजादे? रुक जा वरना गोली मार दूंगा। नहीं जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इतने सारे पैसे भी गए और काम भी नहीं हुआ। ओ माई, पैसे की फिक्र नहीं, अफसोस तो इस बात का कि जोगी उस पार ही नहीं जा सका। अल्लाह कसम, मुझे ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी कि ये मजीद मेरे भरोसे को इस तरह तोड़ेगा। मुझे माफ करना जोगी पुत्र, माफ करना। अरे माँ, इस हादसे के लिए आप अपने आप को क्यों कसूरवार ठहराते हो? आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। और एक तरह से सोचा जाए तो अच्छा ही हुआ। अच्छा ही हुआ मतलब? भाई कुछ दिन और तेरे साथ रहने का मौका मिलेगा, डर डर के छुप छुप के सही, लेकिन कुछ दिन और कप्पे मारेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे। क्यों ओए काकू, क्या है तुम्हें? काकू की किस्मत ही खराब, उसका यार उसके पास रहेगा लेकिन डर डर के। लाना कह रहे मेरे यार कैसी बातें करता तू है? माफ करते जो कि चंगा हो जाएगा तो फिक्र नहीं करना है, घबराना नहीं। मैं घबरा नहीं रहा, मैं मजीद के बारे में सोच रहा था काकू, उसका पता नहीं क्या हुआ होगा। कहीं पकड़ा ना गया हो? वो पकड़ा गया और उसने हमारे बारे में सुना था, अल्लाह ना करे वो पकड़ा जाए। हमारे लिए बेहतर तो ये होगा कि मारा ही जाए। हम कितने खुद को छोड़ गए काकू, जोगी अपनी मौत की परवाह नहीं होती किसी को, लेकिन जब बात अपनों की, देखता
इस वक्त किसको क्या हो मुझे कोई परवाह नहीं, तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए बस। आप दो दिनों से कहाँ गायब थे? तो क्यों भाई, तू कोई थानेदार लगा है कि तेरे को सब बताए कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं? मेरा क्या, अम्मी फिक्रमंद हो रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ, वरना आप जा भी जाए उससे मेरा क्या लेना देना। हाँ भाई मैं सब समझता हूँ, तेरा क्या लेना देना, ये जब से तू जमात का अमीर बना है मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रख रहा है, सब पता मैंने। अगर किसी का ख्याल करना नजर रखना समझते हो आप तो ऐसा ही सही, अपने लिए नहीं पूछ रहा था मैं, अम्मी के लिए पूछ रहा था। चुप है, अम्मी के लिए पूछ रहा था मैं, तेरी अम्मी को बता कर गया था मैं जेड़ा वाला मंडी जा रहा हूँ आरतियों के पास वसूली के लिए, पता है उसको कहाँ गया था? वसूली के लिए क्यों, कोई पैसों की खास जरूरत पड़ गई आपको? क्यों जी, जब जरूरत हो घर में तभी पैसे चाहिए, वैसे नहीं आ सकते हैं पैसे घर पे हैं? उन पैसों का क्या करोगे आप? खबरदार ज्यादा सवाल जवाब ना कर, चल जा काम कर अपना। नवाब साहब हिसाब देना पड़ेगा। Yeah, so I'm going to get that.